हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे स्क्रैच की प्रोग्रामिंग। कैसे स्क्रैच की प्रोग्रामिंग करेंगे? स्क्रैच में हम लोग क्या है, ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन, स्टोरी और ब्लॉक कोडिंग के साथ, इसमें हमें टेक्स्ट कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक कोड से ही हम लोग सारे अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम खोलिए, उसके बाद यहाँ सर्च करिए स्क्रैच। हमने स्क्रैच सर्च किया, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिए। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद ज्वाइन बटन का ऑप्शन है, ज्वाइन पे क्लिक करिए। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पास यूजर नेम लिखिए, यूजर नेम ले लीजिए जो आपको याद रहे, और पासवर्ड ऐसा लिए जो आपको याद रहे। सेम पासवर्ड दोनों में डालना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर से, जैसे हम अपनी इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ आप दे दीजिए यहाँ पर, तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए यहाँ पर, या नेक्स्ट करिए। फिर उसके बाद मेल फीमेल, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करिए। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक gmail.com। अब इस पर क्रिएट पे क्लिक करिए तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा ओपन हो जाएगा। अब हम लोग सबसे फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करिए। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहां पर हम प्रोग्राम को करेंगे। ये ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर आप देखिए, ये ब्लॉक का ऑप्शन है, ब्लॉक का ऑप्शन है। यहाँ देखिए मोशन ब्लॉक में कई सारे मूव ब्लॉक, टर्न ब्लॉक, गेट टू रैंडम, इसके बाद लुक ब्लॉक्स होते हैं। लुक ब्लॉक में हाय हेलो हमें जैसे करना है, कॉस्ट्यूम हो गया, इसके ड्रेस हो गया, ये सब आते हैं। और साउंड में हमारा वॉइस ओवर हो गया, माइक हो गया, ये सब आ जाएंगे। इवेंट में हम जैसे स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं, कंट्रोल में कंडीशन होती है, सेंसिंग में जो इंस्टेंस करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमने ये मोशन का ब्लॉक लिया, अब मोशन के ब्लॉक जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये कैट हमारी मूव करेगी। इसी तरीके से टर्न का ऑप्शन है, अब जब हम टर्न पे क्लिक करेंगे तो ये टर्न होगी। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है फ्लैग, अब ये कैसे ऑपरेट हम करेंगे, ये कंट्रोल इवेंट में जाएंगे फ्लैग, अब ये फ्लैग को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अब हम यहाँ पर स्विच करेंगे तो ये ऑपरेट होगा। जैसे हम लोग गेम खेलते हैं तो उसमें गेम में क्या होता है, स्टार्टिंग बटन आता है, इसी तरीके से इसके अंदर फ्लैग बटन है, फ्लैग। अब देखिए मूव अगर हम लगा देंगे तो टर्न और मूव, एक स्टेप टर्न होगा, एक स्टेप मूव होगा। और इसी तरीके से आप देख लेते हैं, अब जैसे इसको हमें वॉइस ओवर करना है या टेक्स्ट में बोलना है तो लुक्स में जाएंगे, से हेलो, या 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड को हम 1 सेकंड कर देंगे। अब देखिए 1 सेकंड टर्न भी होगा, मूव भी होगा और हेलो भी टाइप करेगा। देखिए टर्न मूव हेलो। इसी तरीके से अगर हेलो के बाद आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं, हेलो हाउ आर यू, टाइप कर दीजिए। तो अब जब फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो ये हेलो हाउ आर यू, यहाँ से देखिए ये जूम का ऑप्शन है, जूम को कर दीजिए। अब देखिए कहाँ से हमें स्प्राइट को सेलेक्ट करना है, तो स्प्राइट के लिए ये नीचे साइड ब्लॉक पे जाएंगे, तो इस ब्लॉक पे हम जाएंगे तो यहाँ पे ओपन होगा, देखिए ये ऑप्शन है। जब हम लोग इस पर जाएंगे तो ड्रैग, ये देखिए अपलोड का ऑप्शन है, स्प्राइट चूज अ स्प्राइट, इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे स्प्राइट सर्च हो जाएगी। यहाँ पर आप जिस टाइप की भी स्प्राइट लेना चाहेंगे, देखिए जैसे हम लोग नॉर्मल कैरेक्टर बोलते हैं, स्क्रैच के अंदर कैरेक्टर को स्प्राइट बोला जाता है, मतलब जो भी स्टेज पे वर्क करेगा उसको हम लोग, जैसे ये है गर्ल है तो ये क्या हो गई, ये कैरेक्टर है, मगर स्क्रैच में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्प्राइट बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये बैकड्रॉप है, बैकड्रॉप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे पेंट का ऑप्शन है, यहाँ अपलोड है। बैकड्रॉप मतलब जो हम लोग बैकग्राउंड कहते हैं,
स्क्रैच के अंदर क्या कहा जाता है, बैकड्रॉप। अब जैसे हमने ये बैकड्रॉप ले लिया, ये देखिए बैकड्रॉप ले लिया। अब इस गर्ल को हमें देखिए कोच करना है, तो देखिए जब भी जिसमें भी हमें कोच करना होता है तो उस पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए, अब अगर इस पर हमें किसका कोच करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर मूव का ऑप्शन पे जाएंगे, मूव ऑप्शन लेंगे, मूव पे क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मूव करेंगे, टर्न का ऑप्शन लेंगे तो ये टर्न है। इसी तरीके से ये देखिए लोकेशन का ऑप्शन है, ये कहीं पास भी रहेगी, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो अपनी सेम लोकेशन पे आ जाएगी। देखिए यहाँ पास है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो पोजीशन उसकी सेम हो जाएगी। इसी तरीके से ये सारे ब्लॉक हैं, अगर एक्स्ट्रा ब्लॉक यूज करने हैं तो उसके बाद ये सब एक्स्ट्रा ब्लॉक हैं, टेक्स्ट टू स्पीच, वीडियो सेंसिंग, पेन, म्यूजिक। इसको अपलोड करना होता है, सिंपल इस पर क्लिक करिए, ये अपलोड हो जाएगा। इन सारे जितने भी ब्लॉक हो जाए, इन सब की वन बाय वन हम वीडियो प्रोजेक्ट बना के आपको सारी चीज सिखाएंगे वन बाय वन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। देखिए आईडी, अब आईडी रजिस्टर करिए, आईडी रजिस्टर करने के बाद मोशन कर लीजिए, साउंड कर लीजिए, साउंड का ब्लॉक लगा के, ये देखिए साउंड का ब्लॉक लगाएंगे, साउंड यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। साउंड के ब्लॉक में जाके यहाँ से साउंड आप चेंज कर लीजिए। वॉइस ओवर करना है, यहाँ से देखिए वॉइस भी कर सकते हैं, हेलो वॉइस ओवर भी कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग। साउंड के ब्लॉक को साउंड भी लगा सकते हैं यहाँ पर। फिर बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर हैं, जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट करेंगे वैसे वैसे आपको फंक्शन पता चलते रहेंगे। ये स्प्राइट है, यहाँ से जूम करने का ऑप्शन, जिस पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा, फुल स्क्रीन आ जाएगी। फुल स्क्रीन को अगर आप कम करना है तो फिर इस पे क्लिक करिए, फोर एरो पे फुल स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन हो जाएगी। और यहाँ से देखिए, जब हमने देखिए इसमें ऑटो सेव होते हैं प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट जो ऑटो सेव होते हैं। यहाँ फाइल पे जाइए, न्यू फाइल, लोड टू योर कंप्यूटर, जो अगर आपने कोई फाइल सेव की है तो यहाँ से आप सेव की हुई यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और ये कंप्यूटर पे सेव करने का ऑप्शन है। और यहाँ पर जैसे हमने प्रोजेक्ट किए हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट किए हैं, तो अपने प्रोजेक्ट को देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, माई स्टफ, इसमें ऑटो सेव होता है, प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। माई स्टफ पे जाइए, क्लिक करिए, और यहाँ पे देखिए जितने हम प्रोजेक्ट वर्क करेंगे वो प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट था तो इसलिए ये प्रोजेक्ट इसमें शो नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम बहुत सारे स्क्रैच के प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।